अरे योगी जी, रोक लो बस को, यहीं पे रोक लो। मैं बिल्कुल भी आगे नहीं जाऊंगा आपकी बस पे, मैं बिल्कुल पीछे बैठा हुआ हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, फिसल रहा हूँ मैं। अरे राहुल, मेरी आवाज योगी जी तक नहीं पहुँच पा रही है, तुम ही बोल दो जोर से कि बस को रोक लो। अरे वैसी जी, मैं कैसे बोलूं, योगी जी बस इतनी तेज चला रहे हैं, आवाज पहुंची नहीं पाएगी उनके पास तक। पहली बात, बस को कोई इतना ओवरलोड करता है जितना इन्होंने कर रखा है? बिल्कुल फुल है बस, अंदर भी और ऊपर भी छत पे। लेकिन राहुल, ये योगी जी बस रोकने कैसे लगे? अब तो बस की स्पीड हल्की हो गई, लगता है रोक रहे हैं। ये क्यों रोक रहे हैं? यहाँ तो कोई स्टॉप है नहीं। अरे अमित शाह जी, क्यों रोक रहे हैं? सामने देखो, कोई इंस्पेक्टर साहब बस को रुकवा रहे हैं। अब तो योगी जी की बस का चालान जरूर कटेगा, क्योंकि ओवरलोड बस है। अरे भाई, ऊपर वाले भैया जो ऊपर बैठे हो, सुनो मेरी बात, सुनो। जी बोलो, क्या बात है? अभी हम इतनी जोर से चीख रहे थे बस को रोक लो, तब तो तुम बिल्कुल नहीं बोले, अब क्यों हमें आवाज दे रहे हो? अरे भाई, इसलिए आवाज दे रहा हूँ, सामने कोई इंस्पेक्टर साहब बस को रुकवा रहे हैं। अगर वो पूछे ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है, तो बता देना कि ये बस बारात में जा रही है, ये मत कहना कि किराए पे मैं सवारियों को ढो रहा हूँ। भाई मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, तुमने मुझसे पिछले गांव से अगले गांव छोड़ने के पूरे 15 रुपए लिए हैं। मैं तो इंस्पेक्टर साहब को बता दूंगा, ये बस बारात उरात में कहीं नहीं जा रही है, ये भाई साहब बस को किराए पे चलाते हैं, भाड़े पे चलाते हैं। चलो मैं तुम्हारा किराया वापस कर दूंगा, लेकिन तुम ये बोल देना कि ये बस बारात में जा रही है। ठीक है भाई, अब तो बोल ही देंगे हम, हमारा किराया वापस कर देना, फिर हमें झूठ बोलने में क्या जाता है। अरे भाई, मेरा भी किराया वापस करो, नहीं तो मैं बोल दूंगा इंस्पेक्टर साहब से कि ये बस किराए पे चला रहे हैं, समझे? चलो भाई, तुम्हारा भी वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ध्यान से ये बोलना है कि ये बस बारात में जा रही है, बारात की सवारी है सब इसमें। रोको भाई बस को, रोको, यहीं पे रोक लो बस को, यहीं रोक लो। जी सर जी, बोलिए, क्या गलती हो गई हमसे? बोलिए, गलती की बात करते हो? अपनी बस की हालत देखो, ओवरलोड बस है, और ये बहाना मत बताना कि तुम बारात में ले जा रहे हो इस बस को, ये बारात की सवारी है सब। अरे प्लान ये तो फेल हो गया यहीं पे, ये तो पहले ही कह रहे हैं कि बारात का बहाना मत बताना। भाई अब तो चालान नहीं बच सकता। भाई ऊपर वालों सुनो, अब तुम्हारा किराया मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि मेरा भी अब ओवरलोड में चालान कट ही जाएगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे योगी जी, मुझे पिछली बार की तरह झिकझिक बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समझ लो। इस चारपाई के बनाने के मैं 1000 रुपए लूंगा, कह देता हूँ मैं तुमसे। मुझे बांस को लपड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि 1000 में से 700 तो मैं रखूंगा, और 300 मुझे लालू जी को देना पड़ती है, क्योंकि चारपाई बनाने में वो भी हाथ लगवाते हैं, मेरा काम बंटवाते हैं। अरे मोदी जी, 1000 रुपए कुछ ज्यादा ना मांग रहे हो, थोड़े कम कर लो, पिछली बार तुमने 700 रुपए लिए थे। अरे 1000 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, ना तुम्हारी ना मेरी, 800 रुपए, 800 रुपए में बना दूं ये चारपाई। अरे ये तुम्हारी चारपाई बनने में 3 दिन लगेंगे, ना तुम्हारी ना मेरी, 900 रुपए। बिल्कुल ठीक है, 900 रुपए, चलो चालू करो। लालू जी, ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठी हो, काम को चालू करो, जल्दी निपटाना है। अरे अगले 3 दिन तक यार यहाँ पे आते रहना, अकेले बहुत बुरा लगता है। अब 3 दिन तक मैं यहाँ पर चारपाई बनाता रहूंगा, तुम आते रहोगे, बातचीत में चारपाई भी बनाते रहेंगे, और कब चारपाई बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा, 2-3 दिन यूं ही गुजर जाएंगे। पिछली बार भी तुम आते रहे थे, आते रहना यार बात करने के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक कुर्सी पड़वा दी है। अरे लालू जी, हाथ लगाओ ना, कितनी देर से खाली बैठी हूँ, मैंने कह भी दिया फिर भी हाथ नहीं लगा रहे हो। अरे मोदी जी, हाथ कैसे लगाऊं? मैं नहीं लगाऊंगा हाथ। ये बताओ, 1000 में से 700 तुम लोग, 300 मुझे दोगे? ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे। ऐसा है, 800 तुम लो, 200 मुझे दो, कम से कम मुझे 200 तो मिलना चाहिए, इतनी मेहनत के तुम मुझे 300 दे रहे हो, ये कोई बात हुई? अरे भाई लालू जी, कैसी बात करते हो, 200 रुपए कम होते हैं और 300 ज्यादा होते हैं, 300 तुम्हें सही मिलना है, इतना भी ध्यान नहीं रहा तुम्हें क्या? अरे अगले याददाश्त बिल्कुल कमजोर होती जा रही है, मुझे इतना भी पता नहीं चला कि हाँ 200 कम होते हैं, 300 ज्यादा होते हैं, भूल गया था मैं। चलो 300 ही दे देना तुम मुझे, तुम ज्यादा मेहनत भी तो करती हो, मैं तो सिर्फ हाथ लगवा देता हूँ। और एक बात सुन लो मोदी जी, पिछली बार तुम्हारी चारपाई बिल्कुल झूल गई थी, तुमने जो बनाई थी, टाइट तरीके से जरा बनाना, मजबूत तरीके से, तभी पैसे दूंगा। अरे एक नहीं, दो नहीं, 3-3 लोग इस पे चल के देखना, बिल्कुल भी नहीं झूलेगी ये मोदी का हाथ है, मोदी के हाथ से बनी हुई चारपाई है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ मोदी इंस्पेक्टर साहब, तुमने मेरे इस बेटे को और मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर, क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने, बताओ। सोनिया जी, ये तुम्हारा राहुल दूसरे गांव में बैलगाड़ी लेके गया था आबादी में, वहाँ इसका चालान हो गया था बैलगाड़ी का, लेकिन इसने अभी तक बैलगाड़ी का चालान का पैसा नहीं भरा है, इसीलिए हमें चालान का पैसा चाहिए, चालान का पैसा लेने के लिए आए हम। अरे मोदी जी, कैसी बात करते हो, क्या बैलगाड़ी का भी चालान कटता है? अरे मैं दूसरे गांव में मेला देखने के लिए गया था, वहां तो भीड़ थी, तो आबादी में कहां पे बैलगाड़ी चली गई,
गई। ये बताओ पहली बात, बैलगाड़ी का चालान किस बात का? देखो राहुल, अगर तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान कटा तो चालान तो भरना ही पड़ेगा। हम चालान की वसूली करने के लिए आए, पैसा दे दो अपने आप चालान का जो भी बनता है। मोदी सर जी देखना जरा इनका चालान का पैसा कितना बनना है। सब इंस्पेक्टर योगी जी, कोई ज्यादा रकम नहीं है चालान की, बस थोड़ी सी रकम है, 55,555 रुपए की रकम है इनकी चालान की बैलगाड़ी की। अरे जल्दी भरो भाई, और भी काम निपटाना है हमें जाके। कैसी बात करते हो मोदी जी, कह दो कि ये मजाक था, बताओ ये मजाक था क्या? अरे इतने रुपए का चालान, अरे इससे तो तुम बैलगाड़ी और बैल ही ले जाओ हमारे। मम्मी जी तुम चुप रहो, बिल्कुल बीच में मत बोलो, बिल्कुल भी मत बोलो, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब, इतना तगड़ा चालान कैसे हो गया? अरे इतने की तो बैलगाड़ी भी नहीं है हमारी। मम्मी जी सही तो कह रही है, बैलगाड़ी ले जाओ हमारी, इतना तगड़ा चालान हम नहीं दे पाएंगे। देखो भाई, नियम तोड़ोगे तो उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा, तुमने नियम तोड़ा है। आबादी में अपनी बैलगाड़ी लेके गए थे, अरे बैलून किसी को मार देता तो, सींगूंग मार देता, किसी को चोट लग जाती तो क्या होता, इससे ज्यादा रुपए देना पड़ते। अब तुम अगर ये पैसा दे दोगे तो मैं ध्यान तो रहेगा कि हाँ नो एंट्री में लेके नहीं जाना है बैलगाड़ी को, चुका दो ये पैसा। मम्मी जी ऐसा करते, इस बैलगाड़ी के चालान से तो बचेंगे नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस बैलगाड़ी को बेचकर ही इस बैलगाड़ी का चालान दे देते हैं, सारा कर्जा चुकता हो जाएगा और उसके बाद चालान कटने का झंझट भी नहीं रहेगा। सही कह रहा हूँ ना कह रहा हूँ मैं मोदी इंस्पेक्टर साहब? और भाई लोगों को वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।